प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य क्या होगा इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत के द्वारा हमें शिक्षा दी है। ये दृष्टांत बड़े सीधे और सरल होते थे कि सामान्य लोग भी उन्हें समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह बहुत विद्वान शिक्षक थे और अपनी शिक्षा बहुत सरल भाषा में देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत दिया, जो कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 24वीं से 30वीं आयतों में पाया जाता है। यहाँ एक कृषक का वर्णन है, एक मनुष्य जिसने अपने खेत में अच्छे गेहूं के बीज बोए, परंतु जब सब लोग सो रहे थे तो उसके बैरी ने आकर मौका देखकर ऐसे बीज बो दिए जो जंगली थे। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं। क्यों रूपा बहन, पानी भरने आई हो? हाँ भैया, पानी भरने आए हैं। क्या बात है, आज आपको खेत जाने में बहुत देर हो गई। बीज लेने चला गया था, अच्छे बीज मिलने में देरी हो गई। बीज अच्छे होंगे तो खेती अच्छी होगी ना? हाँ हाँ भैया, बीज अच्छे होंगे तो खेती अच्छी ही होगी ना। अच्छा बहन, चलता हूँ, आज पहले ही बहुत देर हो गई है। दीनू, इस खेत में इन्हीं बीजों को बोना है। अच्छा मालिक। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे और भी जरूरी काम है। जी मालिक। ए जी उठो। क्या है? एक आप हो कि दिन चढ़ आया है और सो रहे हो? जानते हो उधर खेतों पर तुम्हारा बैरी अच्छे बीज बोने जा रहा है। क्या कहा, अच्छे बीज? हाँ हाँ, अच्छे बीज। कुछ करना होगा, क्या करूं? हाँ, ऐसा करूंगा, उसके खेतों में जंगली बीज बोआऊंगा, सारी फसल खराब हो जाएगी। संभल के जाना, पकड़ जाओगे तो पिटाई होगी। और दीनू, क्या हाल चाल है? ठीक है मालिक। खेतों की देखभाल तो ठीक से चल रही है ना? हाँ मालिक। पशु पक्षी परेशान तो नहीं करते? नहीं मालिक, नहीं करते। इस बार फसल देखो, क्या बढ़िया हुई है। हाँ मालिक, फसल तो अच्छी हुई है, पर कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई है? कैसी गड़बड़ दीनू? मालिक, उस वाले खेत के हिस्से में जंगली पौधे उगाए हैं। जंगली पौधे? मगर मैंने तो अच्छे ही बीज लाकर दिए थे। हाँ मालिक, अब क्या बताएं, बीज तो अच्छे ही थे। ये जरूर किसी बैरी का ही काम है। हाँ मालिक, ऐसा ही लगता है। मालिक, अगर आप कहें तो मैं उस खेत के जंगली पौधों को उखाड़ कर फेंक दूं। नहीं दीनू, ऐसा मत करना। पौधे उखाड़ने में पैरों से कुछ फसल खराब हो जाएगी, कुछ फसल जंगली पौधों के साथ उखड़ जाएगी, इसमें अपना ही नुकसान है। हाँ मालिक, फिर मुझे क्या करना होगा? देखो दीनू, अभी तुम रुक जाओ, फसल पकने तक रुक जाओ। जब फसल पक जाएगी तब कटाई के वक्त तुम जंगली पौधे अलग कर लेना और अच्छी फसल काट कर मेरे खलिहानों में रखवा देना। अच्छा मालिक, मैं ऐसा ही करता हूँ, जंगली पौधों को जलाकर और अच्छी फसल को आपके खलिहानों में रखवा दूंगा। चलो अब चलना चाहिए। ठीक है। जंगली बीज के दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि वो लोगों को स्वर्ग के राज्य की बात बता सकें, अनंत जीवन की बात बता सकें।
यह बता सकें कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर सब लोगों का और जगत की सारी बातों का न्याय करेगा। एक दिन आएगा जबकि अच्छे दाने को परमेश्वर अपने खत्ते में जमा कर लेगा, और एक दिन आएगा जबकि जो जंगली दाना है वो भस्म कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में व्यक्त कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है। उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमें परमेश्वर के गुणों के विषय में बताए, परमेश्वर के गुणों से हम परिचित हो सकें, उन्हें अपने जीवन में उतार सकें और उनके अनुसार जी सकें। ये अच्छा दाना प्रभु यीशु मसीह ने संसार में बोया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ शैतान अब भी अपना कार्य करता है और वो इस संसार में लोगों को बहकाता है, भड़काता है, विषम परिस्थितियां पैदा करता है, लोगों के जीवन में परीक्षाएं लाता है, सब प्रकार की बुरी बातें जीवन में लाने का वो प्रयास करता है, दुख, बीमारी, कठिन परिस्थितियां। और इन बातों के द्वारा शैतान लोगों को बहका करके अपने वश में करना चाहता है, परंतु परमेश्वर सब पर दया करता है, परमेश्वर सबको मौका देता है। परंतु एक दिन आएगा जब परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर के जो पुत्र हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना, उन्हें ग्रहण किया और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाया, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेगा कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मेरे राज्य में शामिल हो जा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उपज लगाई गई, जो दाने डाले गए, वो जब बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, लोगों के जीवन बदलते हैं, उन लोगों को अनंत जीवन प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में, अपने खत्ते में समेट लेगा। परंतु ऐसे लोग जो शैतान से प्रभावित हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की अवहेलना की है, जो पापमय जीवन जीते हैं, उनको एक दिन ऐसे स्थान में डाल दिया जाएगा जो नरक का स्थान है, जो विनाश का स्थान है, जहां रोना और दांत पीसना है और अनंत की मानसिक यंत्रणा है। ये बात मेरे और आपके सामने भी आज प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा के रूप में रखना चाहता है। चयन हमको करना है कि हमारी कौन सी दिशा है, हमारी कौन सी मंजिल है। इसी चुनौती को प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में व्यक्त किया है।